नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर्स 30% मार्क्स, सिमिलर क्वेश्चन है, अगर स्टूडेंट 30% मार्क्स स्कोर कर रहा है, ही फेल्स बाय 5 मार्क्स, व्हेन ही स्कोर्स 40% मार्क्स, ही गेट्स 10 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क, अगर 30% अगर स्कोर कर रहा है तो वो 5 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, ठीक है, और अगर वो 40% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो उसे पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग परसेंट, ठीक है। देखिएगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितने परसेंटेज का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे 30% और 40% दोनों केस में कितने परसेंट का डिफरेंस है, 10% का, ठीक है, और कितने मार्क्स का डिफरेंस है, देखिएगा 5 मार्क्स से फेल हो जाना केस 1, 5 मार्क्स से फेल हो जाना केस 2, 10 मार्क्स से पास हो जाना, एक केस में 5 नंबर से फेल हो रहा है, एक केस में पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा ला रहा है, दोनों केस में डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 15 मार्क्स का डिफरेंस है और 10% का डिफरेंस है, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, 100%, दैट इज द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, 100% कैसे निकालेंगे, 10% इज 15, 1% इज 15 बाय 10, 100% इज 15 बाय 10 इंटू 100, तो क्या जाएगा, 150 जो क्या है, टोटल मार्क्स है आपके, 150 टोटल मार्क्स है, ठीक है। अब सेकंड मुझे फाइंड क्या करना है, पास परसेंट, पासिंग परसेंट, अगर 30% मार्क्स ला रहा है तो 5 नंबर से फेल कर रहा है, ठीक है, तो 30 प्लस 5 मार्क्स को हम लोग कितना परसेंट कह सकते हैं, 150 मार्क्स जो है वो 100% है मेरा, ठीक है, एक मार्क्स जो है वो 100/150 है, तो 5 मार्क्स कितना है, 100/150 × 5, दैट इज 30, तो क्या हो जाएगा, 3/1/3%, तो 30% अगर मार्क्स आ रहा है तो 5 नंबर से फेल हो रहा है, 5 नंबर से फेल हो रहा है मतलब 3/1/3% से फेल हो रहा है, ठीक है, तो पास परसेंट क्या हो जाएगा, 30% प्लस 3/1/3% इज इक्वल टू 33/1/3% जो है मेरा पास परसेंट है, ठीक है। सिमिलरली इसे हम लोग इस दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि 40% मार्क्स आया, 10 नंबर से पास कर रहा है, 10 नंबर से अगर पास कर रहा है तो कितने परसेंट से पास कर रहा है पहले ये निकाल लीजिए, और जितने परसेंट से पास कर रहा है उतना इसमें माइनस कर देंगे तो हमें पास परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ फैमिली कंज्यूम्स 20 kg राइस एंड 9 kg व्हीट पर मंथ एंड स्पेंड्स ₹350, ठीक है, एक फैमिली क्या कर रहा है, 20 kg राइस कंज्यूम कर रहा है और 9 kg व्हीट कंज्यूम कर रहा है पर मंथ, और इस प्रोसेस में वो ₹350 स्पेंड कर रहा है, ठीक है, और गिवन क्या है, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट, और राइस का प्राइस दिया हुआ है कि वो व्हीट के 20% है, ठीक है, मतलब 1/5 है। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर व्हीट का प्राइस 20% से इंक्रीज कर रहा है, देन फाइंड द रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस, देखिए अगर सेम वैल्यू उसे स्पेंड करना है तो व्हीट का अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, हमें राइस का कंजम्पशन को कम करना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हीट के कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, हालांकि व्हीट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसके कंजम्पशन पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, कंजम्पशन किसका मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, राइस का, ठीक है, इफ इट हैज द सेम अमाउंट टू स्पेंड, क्या हमें फाइंड करना है, परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस। देखिएगा, सबसे पहले राइस कितना खा रहा है, ये 25 kg, व्हीट कितना है 9 kg, राइस मेरा है 25 kg एंड व्हीट कितना है 9 kg, लेट द प्राइस ऑफ राइस बी एक्स एंड द प्राइस ऑफ व्हीट बी 5x, क्यों, प्राइस ऑफ राइस पर केजी क्या ले लिया, एक्स ले लिया, व्हीट का 5x ले लिया, क्यों ले लिया, बिकॉज प्राइस ऑफ राइस इज 20% दैट ऑफ व्हीट, ठीक है, तो पर केजी प्राइस ये है, तो टोटल प्राइस क्या है राइस का, 25 × x, 25 kg और x रुपीज पर केजी, तो 25 × x टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट दैट द फैमिली स्पेंड्स ऑन व्हीट,
9 केजी कंज्यूम कर रहा है, 5x रुपीज पर केजी है, तो 9 × 4 5x हो जाएगा मेरा, 45x ये वीट पे स्पेंड कर रहा है और 25x ये राइस पे स्पेंड कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है ये टोटल कितना स्पेंड कर रहा है, 350। तो 25x प्लस 45x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 350। ठीक है, यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए प्राइस ऑफ राइस क्या है, 5 रुपीज पर केजी, और प्राइस ऑफ वीट क्या है, 25 रुपीज पर केजी। ठीक है, देखिए केस टू में राइस और वीट का प्राइस हमें देखना है। ठीक है, न्यू प्राइस ऑफ राइस, ठीक है, राइस का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइस का प्राइस सेम है, दैट इज 5। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, वीट का ओरिजिनल प्राइस था 25, इसका 20% मींस 5 रुपीज पर केजी, तो वीट का न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 25 + 5 दैट इज 30 रुपीज पर केजी वीट का न्यू प्राइस है, और राइस का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है तो 5 रुपीज पर केजी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस। ध्यान दीजिएगा, राइस का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है और वीट का कंजम्पशन चेंज नहीं हो रहा है, तो पहले कितना वीट कंज्यूम कर रहा था फैमिली, 9 केजी, और अब कितना करेगा, 9 केजी अभी भी करेगा, तो कितना अमाउंट वो स्पेंड कर रहा है वीट पे, 9 × 30 इज इक्वल टू 270 रुपीज किस पे स्पेंड कर रहा है, वीट पे। क्वेश्चन में गिवन है If he has the same amount to spend, total amount कितना spend कर सकता है ये, 350। ठीक है, wheat पे कितना spend कर दिया, 270, तो rice पे कितना spend कर सकता है ये, 350 minus 270 ये अब rice पे spend कर सकता है, that is 80 rupees the family can spend on rice, और new price rice का क्या है, same as original price, 5 rupees per kg, और 80 rupees स्पेंड कर सकता है, 5 rupees पर केजी है, तो कितना केजी राइस ये फैमिली कंज्यूम कर सकता है, 80/5 दैट इज 16 केजी राइस इसको कंज्यूम कर सकता है ये फैमिली। ठीक है, इनिशियली ये कितना केजी राइस कंज्यूम कर रहा था, 25 केजी, पहले ये 25 केजी राइस कंज्यूम कर रहा था, अब कितना कर रहा है, 16 केजी राइस कंज्यूम कर रहा है, रिडक्शन कितना है, 9 केजी का। ठीक है, परसेंटेज रिडक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिडक्शन है 9, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल है 25 × 100, 4 × 36% हो गया मेरा परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, थैंक यू। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज से, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 12.5% वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, विनर गेट्स 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड 1/5600 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द वोटर लिस्ट। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया, 20% जो है उसमें से वोट नहीं किया, डिड नॉट वोट, तो कितने वोट किए, 80% वोट किए, 12.5% वोट्स वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है, मतलब 12.5% वोट इनवैलिड थे, 20% ने वोट नहीं किया, और विनर जो है उससे 60% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले। ठीक है, और वो जीता कितने वोट्स से, 5600 वोट्स से। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द वोटर लिस्ट। ठीक है, देखिएगा लेट की 100% जो है मेरा क्या है, वोटर लिस्ट है, इसमें से 20% डिड नॉट वोट, 20% ने वोट नहीं किया, ठीक है, तो कितने परसेंट ने वोट किया, 80% ने वोट किया। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि 12.5% वोट्स वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो इसमें से 12.5% हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, 12.5% किसका, 12.5% जिन्होंने वोट किया इसका 12.5% जो था इनवैलिड था, 100 का 12.5% नहीं था, ये 80% का 12.5% था जो इनवैलिड था। ठीक है, 80 का 12.5% कैसे, 12.5 इज 1/8, ठीक है, 80 का 1/8 क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, तो 10% वोट्स जो है वो इनवैलिड थे, तो कितने वैलिड वोट्स थे,
70%. यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं, 12.5% वोट्स वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड, हम लोग 80 में 12.5% माइनस कर देते हैं, ठीक है। 80 में हमें क्या करना है, 12.5% ऑफ 80 है ये, तो 80 का 12.5% कितना होगा, 10 हमें माइनस करना है इसमें से, ठीक है। तो टोटल 70% ये क्या मिल गया मुझे, वैलिड वोट्स, ठीक है। अब इस 70% में विनर को मिलता है 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो विनर को कितना माना 60% और लूजर को कितना मिला 40%। 60% मतलब टोटल वोट का कितना मिल गया, 60% ऑफ 70 मतलब 60/100 × 70, ठीक है, दैट इज 42% वोट्स विनर को मिला। किसका 42%, अगर टोटल जो है 100% था वोटर लिस्ट में, तो 42% विनर को मिला, देखिए 42% मिला विनर को, ठीक है। 40% वोट्स मिला लूजर को, 40/100 × 70 अगर करते हैं तो दैट इज 28% जो है किसको मिला, लूजर को। 42% मिला विनर को, 28% मिला लूजर को, डिफरेंस कितने का आया, 14% का, डिफरेंस कितने का आया, 14% का, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है 14% विनर विंस बाय 5600 वोट्स, तो 14% करस्पॉन्ड्स टू 5600, 1% कितना हो जाएगा 5600/14, 100% कितना हो जाएगा 5600/14 × 100, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 400 इतने वोट्स आपको मिले हैं, ठीक है। तो वोटिंग लिस्ट मेरा क्या है, वोटिंग लिस्ट मेरा है 40,000 वोट्स का, ठीक है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में और भी कह सकता है कि फाइंड द वोट सिक्योर्ड बाय द विनर, विनर को कितना वोट मिला, आप देखिए विनर को मिला है 42%, ठीक है, 1% जो है मेरा कितना होता है 5600/14, दैट इज 400, 1% अगर मेरा है 1% है 400, तो विनर को कितना मिला 42%, ठीक है, तो 42 विनर को मिल गया 42 × 400। अगर लूजर का कह रहा है, लूजर को मिला 28%, तो कितने वोट्स मिले, 28 × 400 वोट्स मिले लूजर को। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कितना था वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स वेर 70%, 1% मेरा 400 है, वैलिड वोट्स है 70%, तो 70 × 400 ये मेरा क्या हो जाएगा, वैलिड वोट्स। तो कई सारी चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एंड वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।